हम पहुँचे हैं अभी ओम पर्वत। उधर पहुँच के ही वीडियो बनाया। मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब है तो दर्शन हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा की जय। बोलो ओम पर्वत भगवान की जय। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार है। मैं हूँ सरला नबिया। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और हम लोगों की तैयारी हो रही है आज आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन जाने के लिए। सो अभी हम लोग कुछ देर में निकल रहे हैं, तो आज हम लोग जाएंगे ओम पर्वत, उसके बाद हम लोग जाएंगे कल आदि कैलाश। जैसे कि आज का सभी लोगों को पता है कि आदि कैलाश उत्तराखंड के लास्ट गाँव कुटी में पड़ता है, जो कि कुटी गाँव मेरा मामा कोट है। तो हम लोग कुछ देर में निकल रहे हैं और अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। थोड़ी सी टैक्सी आने में लेट हो गई, इसलिए हम लोग 10 बजे के आसपास निकलेंगे। फिर देखते हैं हम लोग ओम पर्वत कितने घंटे में पहुंचते हैं, तो आगे आप लोग से मिलते रहेंगे। और अभी दिन के 1:15 बज रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं बुद्धि गाँव। मैंने दारचूला से सीख के बुद्धि पहुँच के ही वीडियो बनाया, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। और लास्ट ईयर भी मैं अपने गाँव आई थी तब मैंने बनाया था वीडियो। और दारचूला से हम लोग बुद्धि 3:30 घंटे में पहुँचे। पूरे रास्ते में रोड कटिंग का काम चल रहा है, इसलिए हमें बुद्धि पहुँचने में 3:30 घंटे का टाइम लगा, वरना हम लोग दारचूला से बुद्धि गांव 2 घंटे में पहुँच जाते। तो थोड़ा सा बुद्धि गांव का भी देख लेते हैं। हमें नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। हम फैमिली पूरे कैलाश पति महादेव शिव शंकर के दर्शन करने आए। हम पहुंचे हैं अभी ओम पर्वत, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण ओम पर्वत के दर्शन होते नहीं होते हैं। अभी कुछ देर में हमें पता चलेगा, लेकिन महादेव का जो है ये मौसम ने बहुत साथ नहीं दिया। आज यात्रीगण भी आए हुए हैं ओम पर्वत के दर्शन करने, लेकिन मौसम खराब है, बादल छाए हुए है। कैलाशपति महादेव शिव शंकर के ये हमारा पर्वत का है, जहाँ आप ये देख रहे हो बादल छाए हुए। कैलाशपति महादेव शिव शंकर दर्शन देते नहीं देते हैं आज। कैलाशपति महादेव बोलो ओम पर्वत भगवान की जय। बोलो डमरू वाले की जय। जय कैलाशपति महादेव शिव शंकर की जय। देखो वहाँ देखो साफ हो गया, वहाँ बहुत साफ हो गया, बहुत मौसम साफ हो रहा है धीरे धीरे। बारिश के कैलाशपति महादेव शिव शंकर आज दर्शन देंगे भक्तगणों को। भक्त लोग हाथ जोड़ के सिर टेक के आए हैं भगवान से, किसी के पांव दर्द है, किसी का कुछ है, सब दर्शन के लिए दर्शन के लिए। हमारी फैमिली आई है सभी कैलाशपति महादेव शिव शंकर के दरबार में। शंभू शंभू शंभू
धीरे छठ रहे। हम लोग ओम पर्वत 4:30 बजे के आसपास पहुंच गए होंगे, लेकिन इस बार मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब है तो दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। वैसे तो मैं लास्ट ईयर आ गई थी, तो लास्ट ईयर मैंने दर्शन वर्शन कर लिए थे। आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से वीडियो बना लेना थोड़ा बहुत। और आज हम लोगों को ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए। खैर, हम लोगों ने तो लास्ट ईयर दर्शन कर लिए थे, बट मेरे हस्बैंड पहली बार आए तो उन्हें ओम पर्वत के दर्शन नहीं हुए। खैर, कोई बात नहीं। तो आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला थोड़ा बहुत वीडियो बना देना। उन्होंने वीडियो बना लिया और मैं रास्ते पर का वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई आज। और टाइम में तबीयत ख़राब होती नहीं थी, पता नहीं इस बार क्या हो गया, कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और हम लोगों ने ओम पर्वत में पूजा वगैरह कर लिया है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे काला पानी मंदिर और वहाँ पे हम लोग पूजा वूजा करेंगे। उसके बाद सीधे चलेंगे कुटी और कुटी में आज हम लोग वहीं रहेंगे। उसके बाद हम लोग कल आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो इस बार मैंने डिटेल्स वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं ओम पर्वत के दर्शन करने आई थी तब मैंने ओम पर्वत पहुँचने तक का वीडियो बनाया था, वहाँ के रास्ते ये सब दिखाया था। सो मेरा यह ब्लॉग भी मेरे यूट्यूब चैनल सरलाने का ब्लॉग संख्या में अपलोड हो चुका है। अभी हम पहुँच गए हैं काला पानी माँ काली के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा कुटी के लिए रवाना होंगे। कल सुबह चौलिंगकांग आदि कैलाश कैलाशपति महादेव शिव शंकर के दर्शन करेंगे। अभी हम काली माता के दर्शन करेंगे। माता रानी की जय हो, जय काली माता की जय। और काला पानी पहुँचने के बाद हम लोगों ने माता कालिका की पूजा की। मेरा काला पानी का डिटेल्स ब्लॉग भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग आदि कैलाश दर्शन की। बट मेरा आदि कैलाश डिटेल्स वीडियो भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, बट लास्ट ईयर मैं गौरीकुंड जा नहीं पाई। इस बार गौरीकुंड के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने काला पानी में मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब तक हम वीडियो बनाते हैं भगवान के दर्शन ढंग से नहीं हो पाते हैं, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं मंदिर के अंदर का वीडियो बनाऊं। खैर, कोई बात नहीं, माता रानी हम सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे, यही मेरी माता रानी से कामना है।